हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले गाइस कि हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारा फर्स्ट कलेक्शन होता है, जो कि होता है लिस्ट, वो क्या होता है, किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके उसकी क्या क्या फंक्शनलिटीज़ रहती हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखे हैं। आप चाहो तो एपेक्स डेवलपमेंट सीख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आप LWC डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। तो गाइस, अगर आपको LWC या फिर एपेक्स सीखना है एज ए बिगनर लेवल, तो गाइज आप जाके ये दोनों दोनों प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। दोनों प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। गाइज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहली बात है जो हमें ध्यान रखनी है, तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्शंस। तो गाइज हमारे एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली थ्री टाइप्स के कलेक्शंस होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है लिस्ट, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। एंड देन जो सेकेंड होता है सेट, एंड थर्ड होता है मैप। तो गाइस सेट एंड मैप्स के बारे में हम डिफरेंट सेशन में देखने वाले हैं, बट इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि लिस्ट होता क्या है। तो गाइस लिस्ट और कुछ नहीं, लिस्ट एक काइंड ऑफ कलेक्शन होता है। कलेक्शन बोले तो कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल जो कि मल्टीपल डेटाज स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कि आपका एरे होता है। तो गाइस अब आप सोच रहे हो कि जब एरे भी वही काम करता है जो लिस्ट करता है, तो डिफरेंस क्या है? तो गाइस डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। आपको जो एरे है वो सिर्फ एक सिंगल डेटा टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता है अपने इनसाइड, राइट? आइदर अगर एरे ऑफ इंटीजर है तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है, अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकता है। बट गाइस लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में अगर आप किसी एस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट या फिर कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट की डिटेल स्टोर करते हो, तो उसमें आपके मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स के फील्ड्स के वैल्यू आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नेम है वो टेक्स्ट टाइप का है, आपका जो फ़ोन नंबर है वो नंबर टाइप का है, तो इस तरह से वो मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा आते हैं। तो गाइस आप मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हो अपने लिस्ट में, जो कि आप अपने एरे में नहीं कर सकते हो। तो गाइस ये था थोड़ा ओवरव्यू एरे और लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है उसका। तो गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट हम समझते हैं कि हम लिस्ट में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट में गाइस हम अपना कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो लिस्ट बेसिकली होता क्या है? तो लिस्ट एकदम सेम टू सेम एरे के तरह होता है। इसमें आप जो भी वैल्यू स्टोर करोगे वो इंडेक्स वाइज स्टोर होगा, और ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। जैसे कि आप मैंने स्क्रीन दे सकते हो, इस पे लिखा हुआ है कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इट मीन्स कि आप जिस ऑर्डर में वैल्यू ऐड करोगे लिस्ट के अंदर, उसी ऑर्डर में वो वैल्यू ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेकर चलूँ एक इमेज पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेकर चलूँ एक इमेज पे, तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक बॉक्स है, राइट? तो हमने क्या किया, हमने लिस्ट एक लिस्ट क्रिएट किया था। उस लिस्ट में हमने सबसे पहले रेड ऐड किया, तो रेड आपका जीरोथ इंडेक्स पे आके स्टोर हो गया। देन हमने ऑरेंज स्टोर किया तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हुआ। देन हमने येलो ऐड किया तो वो सेकेंड इंडेक्स पे आके स्टोर हो गया। तो गाइज इस तरह से हमारा लिस्ट इसलिए ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाता है, ऑर्डर कलेक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में आप उसमें एलिमेंट ऐड करोगे, उसी ऑर्डर में वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे जाके स्टोर हो जाएंगे। तो आई नो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो गाइस बिल्कुल टेंस मत लेना, अभी मैं जैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखना है कि हमारे लिस्ट में कोई भी एलिमेंट हमेशा जीरो इंडेक्स में ही स्टोर होता है, मीन्स हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है स्टोर होना। तो समझते हैं कि आप किस तरह से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने डेवलपर कंसोल में, देखते हैं किस तरह से आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, सिंपल डेवलपर कंसोल ओपन कर लेना है। मैं एक काम करता हूँ, या डेवलपर कंसोल में एक एपेक्स क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इस एपेक्स क्लास का नाम मैं मेंशन कर लेता हूँ लिस्ट डेमो क्लास। ओके, मैं सिंपल एंटर करता हूँ। तो ये हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। हम चलते हैं इसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। एंड देन यहाँ पे मैश करते हैं लिस्ट डेमो लिस्ट मेथड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो गाइज अपने मेथड को। मैं लिस्ट मेथड दे दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम सारे सारे लिस्ट से रिलेटेड फंक्शनलिटी देखने वाले हैं, सारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं लिस्ट पे। तो गाइज जो सबसे पहला हमारा होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो चलिए गाइज हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं लिस्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर होते हैं लिस्ट में। तो गाइज जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि आप किस तरह से कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप का लिस्ट
डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मैं स्क्रीन देख सकते हो, अगर आपको कोई भी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ टी। तो गाइज यहाँ पे जो टी है वो डेट टाइप को डिनोट कर रहा है। ये टी एक आपका इंटीजर हो सकता है या फिर स्ट्रिंग हो सकता है या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट या फिर कॉन्टैक्ट लाइक दैट। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो आपको सिंपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मेंशन करना है, देन आपको अपनी स्ट्रिंग का एक नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेंशन करता हूँ स्ट्रिंग लिस्ट, और अपार्ट फ्रॉम कलर लिस्ट कर देता हूँ, राइट, क्योंकि अभी हम इसमें कलर की वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो देन इक्वल्स, इक्वल्स के बाद आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने लिस्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो देन न्यू कीवर्ड के बाद आपको क्या करना है, ये सिंपल कॉपी पेस्ट करना है एंड यहाँ पे इस तरह से डिक्लेयर कर देना है। तो गाइस ये आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दिया है ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ओके, मीन्स ये लिस्ट सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है अभी ये एम्प्टी लिस्ट हो गया, बट इसमें जो डेटा है वो किस तरह सेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम मेरे स्क्रीन दिख रहा है कि अगर आपको कोई भी डेटा ऐड करना है अपने लिस्ट में तो आपको एक मेथड ऐड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिस्ट के अंदर, लिस्ट कलेक्शंस के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है हमारे सेल्सफोर्स के साइड से, जो कि होता है ऐड। तो आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है आपके लिस्ट में तो आपको क्या करना है, लिस्ट का नाम डॉट ऐड एंड देन वो एलिमेंट आपको पास करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस एग्जांपल को लेकर चलूँ, ये कलर वाला रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू पर्पल, तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो सिंपल हमें क्या करना है, कलर लिस्ट डॉट ऐड, क्योंकि हम अपने कलर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो जो सबसे पहला हमारा वो ये स्ट्रिंग टाइप का है, करेक्ट, तो हमें स्ट्रिंग टाइप में ही वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये स्टोर नहीं होगा, एरर थ्रो कर देगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले रेड है तो सिंपली चलते हैं यहाँ पे रेड स्टोर कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी अगर मैं आपको सिस्टम डिबग करके दिखाऊं एंड सिस्टम डिबग पे मैं कलर लिस्ट की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो एक मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लाइन नंबर 8 पे और एक मैं पास करता हूँ लाइन नंबर 6 पे। तो गाइस ये वाला जो लिस्ट है ये हमारा एम्प्टी आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसे जस्ट इनिशलाइज किया, डिक्लेयर किया है, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी है। देन 8th लाइन पे हमने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी है रेड। तो जैसे ही 10th लाइन का कंसोल प्रिंट होगा, सिस्टम का डिबग प्रिंट होगा, तो वो हमें इस लिस्ट में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो शो कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ, इसे सेव करता हूँ एंड इसे रन करता हूँ। तो देन यहाँ पे एग्जीक्यूटर अनाउंस विंडो में हमें क्या करना है, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम पिक करता हूँ। आई थिंक कॉपी पेस्ट के टाइम मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, तो कोई टेंशन नहीं है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। पहले अपनी क्लास को हमेशा सेव कर लो गाइज, जब भी आप कोई अपडेट कर रहे हो एंड उसके बाद ही आप इसे कॉल करो। तो सेव हो चुके, अब चलते हैं हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मैं डिबग ऑनली क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस कि 6th लाइन पे हमारा जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, बट 10th लाइन पे हमारा जो लिस्ट है उसमें रेड स्टोर हो चुका है। तो सेम इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। दैट इस लाइन को कॉपी करना है, देन इसको पेस्ट करना है, देन इसको पेस्ट करना, तो क्या है हमारा ऑरेंज येलो। तो सिंपली चलता हूँ ऑरेंज एंड देन येलो। ओके, तो इस तरह से मैं सेव करता हूँ इसे। तो गाइस अब देखना कि जिस ऑर्डर में हमने इसे स्टोर किया है ना, जिस ऑर्डर में हमने इसे स्टोर किया है उसी ऑर्डर में ये डेटा जाके स्टोर होता है हमारे लिस्ट में। तो फॉर एग्जांपल पहले हमने रेड ऐड किया, तो 0th इंडेक्स पे हमारा रेड हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा ऑरेंज हो जाएगा एंड सेकेंड इंडेक्स पे हमारा येलो हो जाएगा। तो चलते हैं एंड इसे एक्सिक्यूट लास्ट करते हैं, इसे डिबग ऑनली करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस पहले पे हमारा रेड है, देन सेकंड पे हमारा ऑरेंज है एंड थर्ड पे हमारा येलो है। तो गाइस इस तरह से आप कोई भी लिस्ट क्रिएट करके, किसी भी डेटा टाइप का लिस्ट क्रिएट करके उसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो आप सोच रहे हो गाइस कि भाई ये तो सेम हो गया, ये तो हम एरे में भी कर सकते हैं, ये वही काम नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ अकाउंट लेता हूँ, ओके, एंड इसका नाम मैं मैच करता हूँ एस एस लिस्ट एंड इसके अंदर मैं क्वेरी कर लेता हूँ लिस्ट। तो आप हमेशा ये रखना जिस टाइप का आपका ये लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ये लिस्ट है अकाउंट ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप का, तो अब जो क्वेरी कर रहे हो ना वो क्वेरी आपको सेम ऑब्जेक्ट पे ही करना पड़ेगा। तो हम सिंपली चलते हैं एंड करते हैं, तो गाइड हम डायरेक्ट चलते हैं, लिखते हैं अपना क्वेरी, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट, ओके एंड लिमिट कर देते हैं लिमिट टू
और इसे अब चलते हैं, इसकी वैल्यू हम प्रिंट करा लेते हैं हमारे लाइन नंबर 15 पे एंड पेस्ट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिए मैं फोन पीरियड पास कर देता हूँ। तो आप समझ सकते हो ना कि हमारा जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, हमारा जो फ़ोन है वो नंबर टाइप का है, फिर भी वो दोनों को दोनों डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू होने के बाद भी हमारा लिस्ट उसको स्टोर करने के काम आ रहा है। तो गाइस यही था डिफरेंस, तो चलते हैं हम इसे एग्जीक्यूट करते देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमें। तो अगर मैं डिबग में पिक करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा ये फुटबॉलर्स में फ़ोन फील्ड नहीं, क्योंकि आई थिंक इस रिकॉर्ड के फ़ोन फील्ड वैल्यू एम्प्टी है। बट अगर मैं सेकंड रिकॉर्ड में जाऊँ तो आप देख सकते हो कि इसमें नेम फील्ड की वैल्यू भी आ रही है एंड फ़ोन फील्ड की वैल्यू भी आ रही है। तो इस तरह से सारी सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कि जिस किसमें आप किस तरह से आप किसी भी डेटा टाइप का लिस्ट क्रिएट करके उसे इनिशियलाइज कर सकते हो। अब चलते हैं हम देखते हैं अपना सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है हमारे लिस्ट में। तो हमारा जो सेकेंड कंस्ट्रक्टर वो किस काम का आता है, वो कोई पर्टिकुलर लिस्ट का एलिमेंट दूसरे लिस्ट में कॉपी करने का काम आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ एंड इससे रिमूव करता हूँ, तो जैसे ये इसका नाम मैं देता हूँ कलर लिस्ट। ओके, तो ये एक हमने लिस्ट क्रिएट कर लिया है एंड इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दिया था। अगर मैं चलता हूँ फिर से आपको एक बार एग्जीक्यूट करके शो करता हूँ कि इसमें क्या डेटा है। तो मैं चलता हूँ और डिबग ऑनली करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में हमारे पास रेड ऑरेंज वैल्यू है कलर लिस्ट में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और लिस्ट क्रिएट करूँ, मैं सेकेंड लिस्ट क्रिएट करूँ। ओके, और इस लिस्ट का नाम मैं देता हूँ कलर लिस्ट 2। और मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में कलर लिस्ट में जितने भी डेटा हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब के सब आके इसमें स्टोर हो जाए, मीन्स कॉपी हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, तो सिनेरियो में गाइस देखो ये क्या करना पड़ रहा है हमें। सिर्फ जब हम जिस लिस्ट में हमें कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल कलर लिस्ट 2 में अगर हमें कॉपी करना है कलर लिस्ट 1 मीन्स कलर लिस्ट, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली उस लिस्ट का नाम पास कर देना है हमारे डिक्लेरेशन के टाइम हमारे इस पैरेंथेसिस में। दैट्स इट, बस इतना ही करते हैं गाइस। अब देखना मैं जैसे डिबग करता हूँ कलर लिस्ट 2 को, तो जो सेम टू सेम एलिमेंट हमारे कलर लिस्ट में है, सेम टू सेम वही सारे सारे एलिमेंट कॉपी हो गए हैं हमारे कलर लिस्ट 2 में। तो अगर मैं चलता हूँ इसे और एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो अब मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ इसे एक्सिक्यूट लास्ट करता हूँ, डिबग पिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे कलर लिस्ट में जो एलिमेंट है सेम टू सेम वही एलिमेंट और सेम ऑर्डर में हमारे कलर लिस्ट 2 में आ गए। तो गाइस सेकंड कंस्ट्रक्टर हमें बताता है कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर लिस्ट की वैल्यू दूसरे लिस्ट में कॉपी कर सकते हो डिक्लेरेशन के टाइम पे। ओके, अब चलते हैं देखते हैं हमारा थर्ड टाइप का कंस्ट्रक्टर क्या है हमारे लिस्ट में। तो जो थर्ड टाइप का कंस्ट्रक्टर हमारे लिस्ट में, वो है कि आप किस तरह से किसी पर्टिकुलर सेट का वैल्यू एक लिस्ट में कॉपी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल गाइस एक्चुअली अभी हमने सेट पढ़ा नहीं है, तो सेट मैं बता दूँ सेट क्या होता है। सेट भी एक टाइप ऑफ कलेक्शन है, बट वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूँ और इसमें आपका अगेन मैं रेड कर देता हूँ, ओके स्टोर, अभी के लिए ये लिस्ट ही है राइट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लिस्ट में दो वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू दो टाइम स्टोर कर दी, रेड रेड 2 टाइम्स हो गया। तो मीन्स ये डुप्लीकेट वैल्यू हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो चलते हैं इसे डिबग करते हैं, ओके एक्सिक्यूट लास्ट पे, इसे डिबग पे चेक करते हैं। तो अब देख सकते हो कि हमारे कलर लिस्ट में क्या है, रेड ऑरेंज येलो रेड, इट मीन्स दैट कि हमारा जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकता है। बट गाइस जो हमारा सेट है ना, हमारा सेट ऐसा नहीं है, हमारा सेट सिर्फ यूनिक वैल्यूज स्टोर करता है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो अनऑर्डर्ड होता है, मीन्स उसमें कौन सा डेटा किस इंडेक्स में जाके स्टोर होगा वो कोई नहीं बोल सकता। इसलिए हमारा जो सेट है उसमें इंडेक्स वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिस्ट को सेट कर दूँ, सेट ऑफ स्ट्रिंग एंड यहाँ भी मैं सेट कर दूँ, तो अब दोस्तों अभी क्या क्रिएट हो गया, अभी ये क्रिएट हो गया एम्प्टी सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ओके, तो इसमें हमने ऐड कर दिया। तो अब दोस्तों कि इसमें अगर अब मैं ऐड करूँगा, अब ऐड करूँगा तो अब मैं ऐड करूँगा, तो जो ये रेड है ना मल्टीपल टाइम्स, ये सिर्फ एक ही टाइम स्टोर होगा, मीन्स क्योंकि हमारे सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं, तो इसलिए ये सिंगल स्टोर होगा, मीन्स एक सिंगल रेड ही स्टोर होने वाला है हमारे सेट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्या बोलता है कि आपको कोई भी
किसी पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट अपने एक किसी लिस्ट में कॉपी करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सेट का इंस्टेंस आपके लिस्ट के डिक्लेरेशन टाइम उसमें पास कर देना है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये सेट क्रिएट किया कलर लिस्ट, कलर लिस्ट में हमने एलिमेंट ऐड कर दिए, और यही सेम एलिमेंट हम क्या चाहते हैं कि हमारे कलर लिस्ट टू में स्टोर हो जाए, जो कि एक लिस्ट है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही डिक्लेयर करेंगे, इनिशलाइजेशन करेंगे, इनिशलाइज करते वक्त हमें पैरामीटर में उस सेट की वैल्यू पास कर देनी है, दैट्स इट। तो अगर अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ एंड इसे डिबग ओनली करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हमारा जो कलर लिस्ट है, हमारे कलर लिस्ट में क्या स्टोर हो रहा है, ऑरेंज रेड येलो, करेक्ट, ऑरेंज रेड येलो स्टोर हो रहा है। जबकि अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पे हमने रेड 2 बार ऐड किया था, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ऐड हुआ है, ऑरेंज रेड येलो, क्योंकि ये हमारा सेट है तो ये डुप्लीकेट डेटा होल्ड नहीं करेगा। बट आप ये भी देखो कि हमने जिस ऑर्डर में स्टोर किया ना, उस ऑर्डर में वो स्टोर नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा सेट अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ना कि ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसलिए यहाँ पे ऑरेंज पहले शो कर रहा है, रेड पहले शो बाद में शो कर रहा है, एंड देन येलो शो कर रहा है। बट उसके बाद क्या हुआ, हमने जब इस सेट में सारे सारे एलिमेंट ऐड कर दिए, तो उसके बाद हमने वो सेट के वैल्यू एलिमेंट कॉपी करने के लिए इस लिस्ट में इससे पैरामीटर भेज दिया। तो इसलिए जब हमारा कलर लिस्ट 2 पास हुआ ना, तो वो भी सेम एलिमेंट के साथ शो हो रहा है, उसमें भी सेम एलिमेंट स्टोर है। बट यहाँ पे एक ये चेंजेस है कि हमने जिस ऑर्डर में स्टोर किया था सेट में डेटा, उसी ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट में डेटा शो हो रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये था हमारे 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर जो कि हमारे लिस्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो गाइज अब इसके बाद जो आता है वो होता है कि हमारे लिस्ट में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और इसे आप किस किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज चलता हूँ मैं यहाँ पे अपने डॉक्स पे, एंड यहाँ पे डार्ट चलते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर हमने पास कर लिया है। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड होता है वो होता है ऐड। तो जो ऐड मेथड होता है क्या होता है, बेसिकली कोई भी एलिमेंट ऐड करने का काम आता है हमारे लिस्ट के एंड में। थोड़ी हमने ऐड वाला मेथड का डेमो देख लिया, बट मैं आपको चलता हूँ एक इंटीजर टाइप के साथ भी शो कर देता हूँ। तो सपोज चलता हूँ मैं यहाँ पे इंटीजर लिस्ट नाम लेता हूँ, क्योंकि ये लिस्ट इंटीजर टाइप का है, देन न्यू कीवर्ड, एंड देन इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ इस तरह से। ओके अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में वैल्यू ऐड कर दो, तो चलता हूँ एंड डॉट ऐड एलिमेंट की जगह आपको एलिमेंट पास कर देना है, फॉर एग्जांपल 10, देन कॉपी, देन सिंपली पेस्ट, एंड तो 2 ही एलिमेंट ऐड करते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे चलते हैं सिस्टम डॉट डिबग, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, सिस्टम डॉट डिबग, एंड इसमें इंटीजर लिस्ट की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो गैस अगर आपका कोड इस तरह से आगे पीछे भाग रहा है, आप इसको अलाइन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस ऑल करना है एंड देन शिफ्ट प्लस टैब कर देना है, तो ये अलाइन हो जाएगा जितना हो सकता है। तो चलते हैं अब इसे सेव करते हैं एंड इसे एक्सिक्यूट करते हैं। तो चलता हूँ अब डिबग ऑनली पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इंटीजर लिस्ट है उसमें 10 और 20 स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से हमारा मेथड काम करता है, हमारा जो ऐड वाला मेथड है वो बेसिकली हमारे लिस्ट में एलिमेंट स्टोर कर जाता है 1 बाय 1। ओके तो चलते हैं देन नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है ऐड, वो भी ऐड ही मेथड है, बट इस फर्स्ट मेथड में हम सिर्फ एलिमेंट पास करते हैं जिस एलिमेंट को हमें स्टोर करना है लिस्ट में, जो कि एट द एंड ऑफ लिस्ट स्टोर करते जाता है। बट जो सेकेंड ऐड वाला मेथड है ना, वो आपका एंड ऑफ द लिस्ट ऐड नहीं करेगा, वो आपका किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर करेगा, जो भी इंडेक्स आप वहाँ पे मेंशन करोगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे अभी 10 20 स्टोर हो गया है, मतलब हमारे इस केस में हमारा जो 10 है ये 0th इंडेक्स पे है, ओके, और ये हमारा जो है 20 ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये सेकेंड वाला, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 30 ऐड हो, बट जो हमारा 30 ऐड हो ना वो हमारे 0th इंडेक्स पे हो, ना कि सेकंड इंडेक्स पे। क्योंकि बेसिकली अगर मैं ऐसे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलता हूँ मैं शो कर देता हूँ अभी के लिए, क्या होगा सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होगा, मतलब 3rd नंबर पे। तो चलता हूँ सेव करता हूँ एंड आपको एग्जीक्यूट कर दिखाता हूँ कि किस तरह से दिख रहा होगा। तो चलता हूँ एंड डायरेक्ट इसे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ।
मैं इसे डिबोगल में क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों कि अभी के लिए किस तरह से स्टोर हुआ है, 10 20 30 मीन्स 10 0 पे स्टोर है, 20 31 पे स्टोर है एंड 32 इंडेक्स पे स्टोर है। बट अब मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो 30 है ना, ये हमारा 0th इंडेक्स पे स्टोर हो। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमारा जो मेथड ये बोलता है कि आपको फर्स्ट पैरामीटर में इंडेक्स पास करना पड़ेगा जिस इंडेक्स पे आप वो वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, देन उसके बाद वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं पास करता 0, 30। तो अब क्या होगा, अभी हमारा जो 30 है वो 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। तो उस केस में 10 का क्या होगा जो ऑलरेडी 0th इंडेक्स पे होना चाहिए, देखते हैं इसका क्या होता है। तो डायरेक्ट चलते हैं डिबग पे एंड लेट वेट सम टाइम, चलते हैं एंड इसे डायरेक्ट एक्सिक्यूट करते हैं। तो अब डायरेक्ट मैं क्लिक करता हूँ डिबग ओनली पे, तो आप देख सकते हो गाइस क्या हुआ, 30 हमारा आ गया 0th इंडेक्स पे एंड बाकी जो दो एलिमेंट है वो स्टोर हो गए ऑर्डर वे में। मीन्स 30 हमारा 0th इंडेक्स पे आ गया एंड देन उसके बाद 10 हमारा फर्स्ट पे एंड 20 हमारा सेकेंड। सो दिस तरह से ये मेथड हमारा वर्क करता है। तो दैट चलते हैं, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है। तो नेक्स्ट मेथड गाइस हमारा एड ऑल है। एड ऑल क्या करता है, कोई पर्टिकुलर एक लिस्ट का एलिमेंट किसी दूसरे लिस्ट में कॉपी कर देता है, एक तरह से पूरे पूरे एलिमेंट ऐड कर देता है बस, और कुछ नहीं करता है। तो जैसा कि हमने देखा वो कंस्ट्रक्टर वाला, तो सेम टू सेम वही चीज़ें करता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि वो आप इनिशियलाइज की तरफ, आप कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे थे, आप कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज के टाइम कर दे रहे थे कॉपी, राइट। आप जब भी लिस्ट डिक्लेयर कर रहे थे सेकंड वाला, उसी टाइम पैरामीटर पास कर देते थे। बट इसमें आपको क्या करना है, आपको एड ऑल वाला जो मेथड है उसको यूज़ करना पड़ेगा, सारे सारे एलिमेंट कॉपी करने के। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लिस्ट है इंटीजर लिस्ट 1, इसको 1 नाम देते हैं, चलते हैं एंड इसे पास करते हैं। ओके तो लिस्ट इंटीजर 1 में हमारा 30 10 और 20 ऐड है। तो हम चाहते हैं कि एक और लिस्ट क्रिएट हो जाए, मतलब एक सेकेंड लिस्ट हो। तो आप हमेशा ये रखना, जिस लिस्ट का एलिमेंट आप दूसरे लिस्ट में कॉपी करना चाहते हो वो दोनों लिस्ट का डेटा टाइप हमेशा सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका लिस्ट का एलिमेंट कॉपी नहीं होगा। क्योंकि भाई बेसिक सी बात है कि दोनों का अगर एलिमेंट का डेटा टाइप ही सेम ही नहीं है तो कैसे स्टोर कर पाएगा लिस्ट। तो चलिए देखते हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का, इसका नाम मैं मैच करता हूँ। एक काम करता हूँ ना, मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ एंड इस लिस्ट का नाम 2 करता हूँ। तो पहले गाइस कंस्ट्रक्टर से हम क्या कर रहे थे कि अगर हमें इस लिस्ट की वैल्यू कॉपी करनी है इस लिस्ट में, तो क्या करना है, डायरेक्ट इस लिस्ट का नाम कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट्स इट। इस तरह से कॉपी हो जाता है, तो ये कंस्ट्रक्टर वे में होता है। बट गाइस हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें एड ऑल मेथड करना है, राइट। एड ऑल मेथड का यूज से करना है। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, लिस्ट का नाम जिसमें आपको कॉपी करना है, देन डॉट डॉट एड ऑल, सॉरी डॉट एड ऑल, एंड एड ऑल में आपको क्या करना है, आपके उस लिस्ट का नाम पेस्ट कर देना है जिस लिस्ट का एलिमेंट आप कॉपी करना चाहते हो इस लिस्ट में, दैट्स इट। तो मैं चलता हूँ एंड इसको भी डिबग करा के देख लेता हूँ, हमारा इंटीजर लिस्ट 2 को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड इसके वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, दैट्स इट। अब मैं इसे सेव करता हूँ। ओके यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया इंटीजर लिस्ट 1 का, बट यहाँ पे तो पेस्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसे सेव करते हैं एंड इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस क्या हुआ, हमारा इंटीजर लिस्ट 1 में जो एलिमेंट है सेम टू सेम वही एलिमेंट हमारे इंटीजर लिस्ट 2 में भी है। सो इस तरह से हमारा एड ऑन मेथड काम करता है, बेसिकली वो बस कॉपी कर देता है सारे सारे एलिमेंट। सो देन अनदर मेथड हम देखते हैं, तो हमारा जो अनदर मेथड है वो क्या है, एड ऑल फ्रॉम सेट। तो बेसिकली ये भी वही कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। तो चलते हैं हम इसे एज अ सेट क्रिएट कर देते हैं, तो ये हमारा लिस्ट से सेट हो गया। तब हम क्या कर रहे हैं, हम ये हमारा एक सेट हो गया इंटीजर लिस्ट 1, अब हमारा एक सेट है, हम चाहते हैं कि इस सेट की जो वैल्यू है वो सारी सारी वैल्यू स्टोर हो जाए किसमें, हमारे इंटीजर लिस्ट 2 में। तो हमें क्या करना है, अब हमें सेम टू सेम यही चीज़ें करना, हमने तो ऑलरेडी पास कर ही रखा है ये वाला नाम, राइट, इंटीजर लिस्ट 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे पास कर रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, लेट्स सी, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इन वॉइड सिग्नेचर वॉइड इंटीजर कॉमा इंटीजर फ्रॉम टाइप सेट। ओके सो गाइज ये था इशू,
आपके सेट में आप इंडेक्स वाइज स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो सेट है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो अब मैं इसे सेट सेव करता हूँ। तो गाइस देखना, जो भी वैल्यू हमारे सेट में है, जो कि है 10, 20, 30, वो आके कॉपी हो जाएगा किसमें, हमारे इंटीजर लिस्ट 2 में, जो कि एक लिस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एड ऑल मेथड यूज़ किया है, एंड उस एड ऑल मेथड में हमने क्या पास कर दिया, वो सेट का इंस्टेंस। तो आप देख, तो यही हमारा कहता है ये मेथड, कि आप एड ऑल मेथड में वो सेट का इंस्टेंस पास कर दो सिंपली। तो चलता हूँ एंड इसे एक्सिक्यूट लास्ट करता हूँ, एंड देन इसे डिबग वाले क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो डेटा हमारे इंटीजर लिस्ट 1 पे है, वही इंटीजर लिस्ट 2 में। ओके, एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे मैं सेट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। तो ये क्या बन गया, ये हमारा सेट बन गया, इंटीजर सेट 1। एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ वैल्यू सारी की सारी, एंड मुझे यहाँ पे कॉपी करना राइट, तो इसलिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ इंटीजर सेट 2। दैट्स इट। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ एंड इसे एक्सिक्यूट लास्ट कर देता हूँ। तो डिबग ऑनली पिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा डेटा इंटीजर सेट 1 में है 10, 20, 30, सेम टू सेम वही डेटा हमारे इंटीजर लिस्ट 2 में स्टोर हो गया। तो इस तरह से आप सारे के सारे अपने किसी पर्टिकुलर सेट के डेटा अपने एक किसी पर्टिकुलर लिस्ट में कॉपी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। चलते हैं अनदर मेथड। तो अनदर मेथड बोलता है क्लियर। तो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड बेसिकली आपका जो लिस्ट है, आपकी कोई भी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है वो सबको रिमूव कर देता है, आपकी लिस्ट एम्प्टी कर देता है। डिबग एंड इसमें प्रिंट कर रहा हूँ मैं वैल्यू इंटीजर लिस्ट की। ओके, तो अब हमारा मेथड क्या कहता है, कि जैसे ये क्लियर मेथड आप कॉल करोगे किसी भी लिस्ट पे, लिस्ट डॉट क्लियर करोगे, तो आपको जो लिस्ट है वो पूरा पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो चलिए ये भी ट्राई कर देते हैं, कॉपी करते हैं इंटीजर लिस्ट, इंटीजर लिस्ट डॉट क्लियर। तो इसका मतलब ये जो लाइन है 12th लाइन, इसके बाद हमारा ये जो लिस्ट है इंटीजर लिस्ट वो एम्प्टी हो जाएगा। तो चलते हैं इसके बाद भी सिस्टम डॉट डिबग प्रिंट कर देते हैं और इसे सेव करते हैं। चलते हैं इसे एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं, सो डिबग ऑनली करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस 10th नंबर लाइन पे हमारा वैल्यू है लिस्ट में 10 एंड 20। देन जैसे 13th नंबर लाइन पे आया, जहाँ पे हमने क्लियर कर रखा है 12th लाइन पे, तो क्लियर मेथड कॉल करने के बाद हमारा जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो गया, सारे सारे एलिमेंट इसमें से रिमूव कर दिए गए। तो गाइज ये था यूज़ कि आप किस तरह से क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हो। देन है हमारा क्लोन, किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट का डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा लिस्ट है राइट, तो हम चलते हैं एक और लिस्ट फिट करते हैं, इंटीजर लिस्ट 2 डॉट। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, कि हमारा जो इंटीजर लिस्ट है उसका डेटा आ जाए, मतलब हम इसको क्लोन करना चाहते हैं और इसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीजर लिस्ट डॉट क्लोन, दैट्स इट। चलते हैं हमारे इंटीजर लिस्ट 2 का भी डेटा प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो ये क्लियर वाला मेथड हटा देते हैं, अदरवाइज वो क्लियर हो जाएगा तो कुछ स्टोर ही नहीं होगा। तो ये हमारा सेव हो जाने देते हैं एंड इसे एक्सिक्यूट करते हैं। या सो चलते हैं एंड इसे डेबग वाले क्लिक करते हैं। तो अब देखते हो कि हमारे इंटीजर लिस्ट में भी 10, 20 है, इंटीजर लिस्ट 2 में भी 10 एंड 20 है। तो बेसिकली ये इस लिस्ट का क्लोन करके इसमें स्टोर कर दिया है। तो एक काम करते हैं, इस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, देखते हैं कि अगर हम इंटीजर लिस्ट 2 में कोई वैल्यू कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कॉपी करते हैं 100, ओके, एंड इसके बाद हम प्रिंट करते हैं, एंड इसके बाद हम प्रिंट करते हैं हमारे इंटीजर लिस्ट 2 की वैल्यू, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीजर लिस्ट 2 देखते हैं कि हमारे इंटीजर लिस्ट में भी कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं, ओके, क्योंकि हम इसी का तो क्लोन करके इसमें स्टोर कर रहे हैं ना पहले, तो देखते हैं कि इसमें कोई चेंज होता है या नहीं। तो इसमें चलते हैं, इंटीजर लिस्ट की वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं। तो हम डार्ट चलते हैं इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो अब चलते हैं डिबग वाले क्लिक करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि आपने क्या किया, इंटीजर लिस्ट में ऐड किया 10, 20, दूसरा क्लोन करके स्टोर किया इंटीजर 2 पे। तो इंटीजर लिस्ट 2 पे अगेन हमने 100 ऐड किया, तो 100 ऐड हो चुका है हमारे इंटीजर लिस्ट 2 पे, बट हमारे इंटीजर लिस्ट पे कोई ऐड नहीं हुआ, कोई एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि ये एक बार क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्लोन कर देता है, दैट्स इट। तो इस तरह से आप इस मेथड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर लिस्ट को क्लोन करके किसी दूसरे लिस्ट में स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट मेथड है वो है कंटेंस। सो कंटेंस बेसिकली एक मेथड है जो कि आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो बूलियन वैल्यू किस सिनेरियो में रिटर्न करता है, ये बेसिकली मेथड क्या करता है, ये आपके लिस्ट में चेक करता है कि आपका कोई भी
जो एलिमेंट आप इस मेथड में पास किए हो वो उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर उस लिस्ट में वो प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा, बट ये रिटर्न जरूर करेगा आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। तो देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंटीजर लिस्ट है और इंटीजर लिस्ट में हमने दो एलिमेंट कर लिया, तो हम चाहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे इस लिस्ट में इंटीजर लिस्ट में 100 एलिमेंट है या नहीं, मतलब 100 एलिमेंट स्टोर है या नहीं, कि बेसिकली जो कि हम जानते कि नहीं है बट हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये है या नहीं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, क्या कंटेंस। सो किस तरह से यूज़ करना है, लिस्ट डॉट कंटेंस, और क्या कंटेंस, आपको कंटेंस मेथड में वो पास करना है, वो एलिमेंट पास करना है जिस एलिमेंट के लिए आप सर्च करना चाहते हो कि वो एलिमेंट हमारे लिस्ट कंटेन करता है नहीं। तो अभी हम इस हम तो गाइस अभी हम हमारे सिनेरियो में क्या चाहते हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो इंटीजर लिस्ट है उसमें 100 नाम का कोई एलिमेंट है या नहीं, मतलब 100 स्टोर्ड है या नहीं। तो हम सिंपली पास कर देंगे 100। तो आपको अभी मैंने जस्ट बताया था कि हमारा जो ये मेथड है ये हमेशा कोई ना कोई बुलियन वैल्यू पास करेगा, आदर ट्रू और आदर फॉल्स। तो अगर ये 100 एलिमेंट हमारे इस लिस्ट में मिल जाता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मेथड रिटर्न करेगा उसे हमें किसी बुलियन वैल्यू में स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, चेक करने के लिए कि वैल्यू क्या रिटर्न किया है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, बुलियन एंड इसका मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल बुलियन डेट टाइप का एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया बूल नाम का, इसके अंदर मैंने वो मेथड कॉल कर दिया इस लिस्ट पे, दैट्स इट। तो अब जो भी वैल्यू ये मेथड रिटर्न करेगा वो आके इसमें स्टोर हो जाएगा बूल में। तो चलते हैं हमारे बूल का भी कॉल करवा लेते हैं, मतलब बूल की जो बूल वेरिएबल का जो मिस बूल वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसे हम प्रिंट करा लेते हैं। चलते हैं सिंपल सेव करते हैं, इसे एक्सक्यूट करते हैं। डिबगर में फिर करते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे बूल में क्या वैल्यू स्टोर हुआ है, फॉल्स। सो बेसिकली क्यों, हमारे इंटीजर लिस्ट में 10 एंड 20 स्टोर है, मतलब यहाँ पे वो 100 नाम का कोई एलिमेंट स्टोर है नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, हमने चेक किया कि हमारा ये जो लिस्ट है इसमें 100 एलिमेंट है या नहीं, तो इसने चेक लिस्ट में तो 100 है नहीं, तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तब इन केस हम चलते हैं यहाँ पे 100 भी स्टोर कर देता है। ओके चलते हैं इसमें स्टोर करते हैं 100। तो अगर अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे लिस्ट में 100 स्टोर है। दैट चलते हैं इसे एग्जीक्यूट लास्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे इसमें 100 स्टोर है इसलिए हमारे बूल में अब ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये कंटेंस काम करता है। तो आप चाहो तो इसको अपने तो आप चाहो तो गाइस इसको इस तरह से वेरिएबल में ना यूज़ करके आप इसको डायरेक्टली किसी इफ कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हो। किस तरह से, इस तरह से कि इफ इंटीजर लिस्ट डॉट कंटेंस 100, तो इस केस में क्या करो, हमें एक टेक्स्ट प्रिंट कर दो, एलिमेंट प्रेजेंट इन लिस्ट, ओके एल्स एल्स क्या प्रिंट करा दो, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। सो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है आई थिंक। तब क्या होगा, अगर हमारा ये लिस्ट है अगर ये 100 कंटेन करता है तो ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट होगा कि एलिमेंट प्रेजेंट इन लिस्ट, अदरवाइज ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट होगा। चलते हैं इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारा ट्रू है इसलिए क्या प्रिंट हुआ है, एलिमेंट प्रेजेंट इन लिस्ट, क्यों, क्योंकि हमारे में 100 है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ यानी यहाँ से 100 ही रिमूव करता हूँ तो हमारे लिस्ट में 100 वैल्यू स्टोर नहीं है, तो इसका इसमें हमारा क्या स्टोर होगा, प्रिंट होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि अभी हमारा बूल फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इफ का मतलब है कि अगर इस इफ में ट्रू आता है तो ही ये सिनेरियो इफ ब्लॉक रन करेगा, अदरवाइज ये वाला ब्लॉक रन करेगा एल्स वाला। तो चलता हूँ एंड इसे एक्सिक्यूट करता हूँ, तब जैसे तो हमारे बूल में फॉल्स आया इसलिए आप क्या प्रिंट कर रहा है, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है, हमारा कंटेंस मेथड इस तरह से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप सोच रहे हो, आप अगेन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो इफ मैं पास किया ना ये इंटीजर डॉट कंटेंस 100, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा चीज एक बुलियन वैल्यू पास कर रहा है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। तो अगर ये ट्रू है
अगर ये ट्रू है तो ही इफ वाला ब्लॉक रन करेगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक रन कर देगा। ओके तो मैं चलता हूँ हमारे सेकंड मेथड पे, मतलब नेक्स्ट मेथड पे, जो कि हमारा इक्वल्स। सो बेसिकली ये इक्वल्स जो मेथड है वो हमारे किसी दो लिस्ट को कंपेयर करने के काम आता है। अगर दोनों लिस्ट आपस में इक्वल हैं तो वो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फर्स्ट रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। चलते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया राइट, कि कोई मेथड अगर बूल वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स, तो आप इसको किस तरह से इफ कंडीशन यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसको चलते हैं, इनसे रिमूव करते हैं। तो इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी, इसलिए हम, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके तो ये जो हमारा फर्स्ट है, मतलब ये हमारा फर्स्ट लिस्ट है, इंटीजर लिस्ट, इसमें हमने डेटा स्टोर कर दिया 10 एंड 20। तो चलते हैं एक अनदर लिस्ट स्टोर करते हैं। ओके एंड चलते हैं इंटीजर लिस्ट 2 कर देते हैं इसका नाम, एंड इंटीजर लिस्ट 2 में हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, डॉट ऐड 10 एंड देन 20। ओके एंड इंटीजर लिस्ट 2 की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं हम, डॉट कॉपी करते हैं सिस्टम डिबग को, प्रिंट कर देते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये मेथड यूटिलाइज करना है इक्वल्स। तो ये मेथड क्या बोलता है, आपको इक्वल्स मेथड यूज़ करना है कोई भी दो लिस्ट को कंपेयर करने के लिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने इंटीजर लिस्ट को, जो कि हमारा पहला लिस्ट है, इस लिस्ट को कंपेयर करना चाहता हूँ हमारे इंटीजर लिस्ट 2 से। तो किस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से, इंटीजर लिस्ट डॉट इक्वल्स। ओके और इक्वल्स के अंदर क्या पास करना पड़ेगा आपको, दूसरे लिस्ट का इंस्टेंस जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो। तो ये तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, कि अगर हमारा ये लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल है इंटीजर लिस्ट 2 के, तो ये वाला जो पूरा सिनेरियो है हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये जैसे, तो हमारे दोनों लिस्ट में सेम वैल्यू है, तो हमारे इस केस में क्या रिटर्न होगा, ट्रू। तो चलते हैं, और ट्रू का हाइस्ट हो जाएगा बूल। तो चलते हैं एन से इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं, एंड डिबग ऑनली पिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे दोनों लिस्ट में सेम वैल्यू है, इसलिए हमारे बूल की वैल्यू ट्रू आ गई है। और मैं चलता हूँ यहाँ से 20 हटा देता हूँ, एंड अब इसे सेव करता हूँ। तो अगर अब मैं डिबग करता हूँ एग्जीक्यूट लास्ट, तो इस सिनेरियो में हमारा जो लिस्ट है अब ये सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 10 20 है और इसमें 10 है, तो इसलिए हमारे बूल की वैल्यू फॉल्स आ गई, क्योंकि दोनों की दोनों लिस्ट इक्वल्स नहीं। तो इस तरह से हमारा इक्वल मेथड काम करता है। जो नेक्स्ट मेथड है वह है हमारा गेट। तो गेट क्या करता है, गेट मेथड हमारा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो लाके हमें देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ इससे हटा देता हूँ, हम जानते हैं कि हमारा जो 10th है, 10 है वो 0th वैल्यू पे स्टोर्ड है, और हमारा 20 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है। तो मैं चाहता हूँ कि बाई चांस हमें नहीं पता है कि एक वैल्यू स्टोर्ड भी है, तो मैं चाहता हूँ कि 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मुझे लाके दो। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो सिंपली उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके लिए हमें ये गेट वाला जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। किस तरह से, चलते हैं। ये बेसिकली गेट क्या करेगा, ये हमारा लिस्ट, हमारा लिस्ट क्या है इंटीजर टाइप का, तो बेसिकली हमें जो भी वैल्यू गेट होगी इंडेक्स के बेसिस पे वो इंटीजर टाइप की होगी ना। चलते हैं इसको स्टोर करने के लिए, सबसे पहले हम चलते हैं इंटीजर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर आई, इसके अंदर क्या करते हैं हम अपना मेथड पास कर देते हैं। क्या पास करते हैं, हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में गेट करना चाहते हैं, क्या गेट करना चाहते हैं, 0th इंडेक्स की वैल्यू, तो हमें डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू पास करना चाहिए। ओके तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये रिटर्न करेगा रिटर्न वैल्यू प्रेजेंट ऑन 0th इंडेक्स, दैट्स इट। तो हमारे लिस्ट में 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा ये वाला पूरा पूरा मेथड। और ये हम कहाँ कर रहे हैं, ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा राइट, मतलब रिटर्न करेगा, तो इसे हम स्टोर कर ले रहे हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल में जिसका नाम है आई। चलते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा देख लेते हैं, चलते हैं आई यहाँ पर प्रिंट करते हैं, इसे सेव करते हैं, चलते हैं यानी इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसे डिबॉन भी करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंटीजर लिस्ट में हमारा 10 और 20 है, तो 10 हमारा 0th इंडेक्स पे है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बोला है कि हमारे इस इंटीजर लिस्ट में हमें वो
इंडेक्स की वैल्यू गेट कर लाओ, किसकी, जीरोथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो गेट कर लाओ। तो हमारे इस लिस्ट में जीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 10। तो इसलिए हमारे आई में क्या स्टोर हो गया, 10, क्योंकि हमारा जो ये पूरा पूरा मेथड है ना, ये पूरा पूरा लाइन, ये हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि हमारे जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर है, और जीरोथ इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 10। तो इसलिए आई की वैल्यू 10 हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पास करता हूँ 1, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है, ओके, वो हमें रिटर्न दे दो। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 20। तो मैं चलता हूँ, अगर इसे प्रिंट करता हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तब हमारे आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20, करेक्ट। तो चलते हैं इसे डिबगिंग करते हैं, तो आप देख सकते हो कि अब हमारे आई की वैल्यू क्या है, 20, क्योंकि हमने गेट में क्या पास किया है, फर्स्ट इंडेक्स। तो इस तरह से हमारा गेट वाला जो मेथड है वो काम कर। देन जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है गेस एस ऑब्जेक्ट टाइप। तो आप सपोज कोई भी एस ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको जानना है कि वो लिस्ट किस एस ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो आपको ये वाला मेथड यूज़ कर लेना, गेस एस ऑब्जेक्ट टाइप का, ओके। सो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो इंडेक्स ऑफ लिस्ट एलिमेंट। तो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स ला के देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, मैं आपको शो करूँ, तो जैसे ये हमारा लिस्ट है, ओके, इंटीजर लिस्ट, इसमें हमने 10 और 20 मेंशन कर रखा है। आपको ये जानना है कि हमारा जो एलिमेंट 10 या 20, ये कौन सा इंडेक्स पे स्टोर है हमारे लिस्ट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्स ऑफ। तो चलते हैं, या फिर यूज़ करते हैं इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स चाहिए हमें, 20 का। तो बेसिकली क्या करेगा, ये हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इसमें क्या है गाइस, जो हमारा 20 है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा, फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पर, राइट। तो ये हमें 1 रिटर्न कर देगा, आई में 1 स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ एंड इसे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ, इसे डिबगिंग क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो कि हमारा यहाँ 20 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, इसलिए हमारे आई की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से गाइज हमारा इंडेक्स ऑफ यूज़ होता है। देन जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है इज एम्प्टी। तो बेसिकली जो हमारा मेथड है ये हमें एक बुलियन वैल्यू पास करता है, मीन्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। सो इसका यूटिलाइज कैसे होता है, तो ये चेक करता है कि आपकी जो आपका जो लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं, मतलब उसमें जीरो, अगर आपके लिस्ट में जीरो एलिमेंट है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी है, तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ एंड इसको रिमूव करता हूँ, एक बूलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, बूलियन बूल, एंड देन हम चेक करते कि हमारा जो इंटीजर लिस्ट है वो एम्प्टी है नहीं, डॉट इस एम्प्टी, ओके। तो बेसिकली अगर हमारे जो लिस्ट है ये अगर एम्प्टी होगा तो हमें इसमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी हमारा लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इसमें डेटा है, तो इस केस में हम क्या मिलना चाहिए, हमें फॉल्स मिलना चाहिए, राइट। चलते हैं, बूल की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं इस तरह से। तो इसे डिबग ओनली करते हैं, तो देख सकते हो कि हमारे इस लिस्ट में 10 और 20 स्टोर्ड है, और हमारा लिस्ट ये एम्प्टी नहीं है, इस वजह से हमारा ये जो बूल वेरिएबल फॉल्स मिल रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ इस लिस्ट को इस लाइन के बाद क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर से गाइस क्या होगा, हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगा, मतलब पूरा एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा इसमें। तो मैं चलता हूँ अगेन, ये जो बूल की वैल्यू है यहाँ पे चलता हूँ एंड पास करता हूँ, तो मैं चलता हूँ एंड इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं चलता हूँ डिबगिंग करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे इंटीजर लिस्ट में भी 10 20 है, तो लाइन नंबर 13 तक हमारा वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि अभी हमारा लिस्ट एम्प्टी नहीं है। बट लाइन नंबर 30 के बाद अगर मैं चलता हूँ इसको भी प्रिंट करता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर अगेन इंटीजर लिस्ट में पास करता हूँ, फिर एंड सेव करता हूँ एंड अगेन इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देख सकते हो कि अभी हमारा लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इसलिए हमारा वैल्यू फॉल्स मिल रहा है, बट इसके बाद हमने लिस्ट एम्प्टी कर दिया, क्लियर कर दिया, तो इसलिए हमारा ये वैल्यू ट्रू मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको भी, तो इस तरह से आप इस एम्प्टी मेथड को यूटिलाइज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट मेथड, देखते हैं हमारा क्या है। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा रिमूव है। सिंपली आप अपने लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव कर सकते हो उस स्पेसिफिक इंडेक्स के बेसिस पे। सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, लेट मी क्लियर ऑल दिस। तो अभी जैसे यहाँ पे 10 एंड 20 है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें हमें करना पड़ेगा रिमूव मेथड यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो लिस्ट नेम डॉट रिमूव, एंड रिमूव में क्या पास करना पड़ेगा, हमें वो इंडेक्स पास करना पड़ेगा जिस इंडेक्स का हमें डेटा रिमूव करना है। कॉपी करता हूँ या फिर पेस्ट करता हूँ सिंपल, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ। तो देख सकते हो गाइस हमारे लिस्ट में पहले 10 20 था, बट हमने रिमूव कर दिया कौन सा एलिमेंट, 0th इंडेक्स का, इसलिए हमारा 10 रिमूव हो गया, बस 20 रिमेनिंग है। तो इस तरह से हमारा ये रिमूव वाला मेथड काम करता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेट। तो जो सेट मेथड है ये वो सेट कलेक्शन के बारे में नहीं, ये एक अलग से मेथड है जो लिस्ट में आपका आता है प्रीडिफाइंड। सो ये सेट क्या करता है, ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपका कोई भी वैल्यू सेट कर देता है। तो अभी के लिए हमारे 0 पे 10 है, 20 पे सॉरी 0th इंडेक्स पे 10 है और फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने जो 0th इंडेक्स है उस पर हम जो 0th इंडेक्स पे हम 30 सेट कर दें। तो हमने क्या किया, हमने इंडेक्स पास कर दिया था 0 और वैल्यू पास कर दिया था 30, मीन्स हमारे 0th इंडेक्स पे 30 वैल्यू सेट कर दो हमारी लिस्ट में। चलते हैं इसके बाद अगेन मैं डिप्लॉय कर सॉरी अगेन मैं इसे डिबग करके इसे रन करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। जाहिर चलता हूँ डिबग पे एंड एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ, डायरेक्ट डिबग ऑनली क्लिक करता हूँ। तो जस्ट तो गाइस हुआ क्या कि 10th नंबर लाइन पे यहाँ पे जो है क्या प्रिंट हो रहा है हमारा 10 और 20 जो कि इस लिस्ट में, बट उसके बाद हमने क्या किया, हमने सेट कर दिया 0th इंडेक्स पे 30। तो इट मीन्स 0th इंडेक्स पे जहाँ पे 10 था वो रिप्लेस होकर क्या हो गया 30। तो आप देख सकते हो अगर मैं इस पे शो करूँ तो आप देखो पहले 10 और 20 था, अब 30 एंड 20 हो गया। तो इस तरह से हमारा सेट्स वाला मेथड काम करता है, सेट वाला। तो अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेथड वो साइज है। तो सपोज आपको कोई भी जो हमारा लिस्ट है आपको उसका साइज गेट करना है, साइज बोले तो उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गेट करना। तो किस तरह से कर सकते हो, तो किस तरह से गेट कर सकते हैं आप साइज वाला जो मेथड है उसको यूज़ करके। तो ये मेथड क्या करता है, ये आपको एक नंबर रिटर्न करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है जितने भी आपके लिस्ट में प्रेजेंट है। तो बेसिकली अगर वो कोई नंबर रिटर्न कर रहा है तो वो एक इंटीजर टाइप का होगा, तो उसको चलते स्टोर कर लेंगे। और क्या करना है, इंटीजर लिस्ट डॉट साइज, ओके, देन इसे कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं फिर लाइक दिस, यहाँ पे सेव करते हैं, इसे एक्सक्यूट करते हैं एंड डिबग ऑन यू करते हैं। तो अब देख सकते हो कि हमें क्या मिल रहा है, हमारी लिस्ट की वैल्यू जो मिल रही है वो 2 मिल रही है। क्यों, क्योंकि हमारी लिस्ट में अभी दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 30 और 20, इसलिए हमें 2 मिल रहा है, हमारी लिस्ट की साइज अभी 20 है। चलते हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, सॉर्ट। सो बेसिकली सॉर्ट मेथड क्या करता है, हमारी लिस्ट में जो भी एलिमेंट है उसको सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल चलता है उसमें कुछ और एलिमेंट सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 एंड देन 30 एंड ऑल, ओके। सो ये सब रिमूव कर देता हूँ, तो ये लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्या, 10 25 30। अब मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सॉर्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, लिस्ट नेम डॉट सॉर्ट, अब इसके बाद में अगेन ये लिस्ट की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ओके, इस लाइन के बाद। तो डेयर लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग, इसे सेव करता हूँ यानी इसे अगेन एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ, देन डिबग ऑनली पे सेट करता हूँ। तो वैसे तो कि सबसे पहले हमारा जो इंटीजर लिस्ट था उसमें डेटा किस तरह से स्टोर हुआ था, 10 25 30, बट जैसे ही हमने इसे सॉर्ट पे कर दिया तो क्या हो गया, 5 10 20 30, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज हो गया, सॉर्ट हो गया। तो ये सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं गाइस, आप अगर स्ट्रिंग भी करते हो तो वो भी अल्फाबेटिक वाइज ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो गाइस ये था हमारे लिस्ट की फंक्शनलिटीज, कंस्ट्रक्टर और मेथड आप किस किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से सेट कलेक्शंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो गाइज तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ग्रेट डे।